अफगानिस्तान की सेना अब तालिबानियों के दांत खट्टे कर रही है। बीते शुक्रवार को सेना ने कार्रवाई करते हुए 303 तालिबानियों को मौत की नींद सुला दिया। 125 तालिबानी जख्मी हुए। तालिबान राष्ट्रों को रोकने के लिए और अपने अफगान की जनता और अफगान की सुरक्षा पर ग्रहण लगा रहे तालिबानियों पर अफगानिस्तान की सेना काल बनकर टूटी है। तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अफगान की सेना तालिबानियों से लगातार लोहा ले रही है, जिसमें अफगानी सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सेना ने पिछले 24 घंटे में 300 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। ये जानकारी गुरुवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया और बताया कि 24 घंटे में अफगानिस्तान सेना के ऑपरेशन में 303 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और जबकि 125 घायल हुए हैं। सेना की तरफ से देश भर में तालिबानियों से लोहा लिया जा रहा है और इसी कड़ी में ये कामयाबी नांगरहार, लगमान, गजनी, पक्तिका, कंधार समेत आसपास के इलाकों में चलाए गए अभियान में मिली है। साथ ही इस दौरान सेना ने तालिबानियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। लगातार अपनी आवाम को रिफ्यूजी बनता और देश से पलायन करता देख अफगानिस्तान सरकार और सेना ने तालिबानियों से जंग तेज कर दी है, ताकि फिर से अफगानिस्तान में शांति बहाल हो सके। इसी कड़ी में सेना की तरफ से हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह शहर में भी तालिबानियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया, ताकि तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान को छुड़ाया जा सके। अपने देश को तालिबान की काली नजर से बचाने के लिए अफगानिस्तान सेना की तरफ से निकासी अभियान शुरू किया गया। लश्करगाह शहर के PD1 में बुधवार रात करीब 10 बजे अभियान शुरू किया गया था और लोगों को तालिबान के कब्जे वाले इलाकों से निकाला जा रहा था, उनके घरों को खाली कराया जा रहा था। दरअसल सेना ने बताया कि तालिबानी लोगों के घरों को फाइटिंग पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण उनको ऑपरेशन चलाने में परेशानी हो रही है। इसलिए तालिबान के कब्जे वाले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, ताकि हवाई हमले और जमीनी अभियान तेज किए जा सके। लश्करगाह के 10 जिलों में से 9 पर तालिबान ने हाल ही की लड़ाई में कब्जा कर लिया। हेलमंद के 13 जिलों में से 12 पर तालिबान का नियंत्रण है। वहीं तालिबान लड़ाकों ने शुक्रवार को दक्षिणी निरमोज प्रांत की राजधानी जरांज पर भी कब्जा जमा लिया है। अपने वर्चस्व को वापस पाने की चाह में तालिबान पूरी तरीके से पागल हो चुका है और सत्ता का नशा लोगों से क्या कुछ ना करवा दे, ये तो जग जाहिर है। वहीं सत्ता पाने के लिए तालिबानियों के हौसले भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये खबर वो बताने के लिए काफी है। दरअसल आतंकियों ने अफगानिस्तान मीडिया और सूचना केंद्र के प्रमुख दावा खान मीनापल की शुक्रवार को हत्या कर दी, जिसको तालिबान ने स्वीकार भी किया। तालिबान ने पूरे मामले में कहा कि मीनापल की हत्या एक मुजाहिदीन की तरफ से किए गए हमले में हुई और उनको उनकी गुनाहों की सजा दी गई है। सेना की तरफ से लगातार हो रही लड़ाई में मिल रही हार और अपने लड़ाकों का होता विनाश देख बौखलाए तालिबान ने अब अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तालिबान का हौसला किस तरीके से बुलंद है, ये पक्तिया प्रांत के चमकनी इलाके में भी देखने को मिला, जहां तालिबान ने थाला साहिब गुरुद्वारे से निशाना साहिब को उतार दिया। अबूदाबी की सिख धर्म में इस गुरुद्वारे का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने यहां का दौरा किया था। तालिबान में हुई इस घटना की भारत सरकार ने कड़ी आलोचना की और साथ ही कहा कि भारत का मानना है कि अफगानिस्तान का भविष्य ऐसा होना चाहिए जहां महिलाएं, बच्चे समेत सभी वर्ग सुरक्षित रह सके। अफगानिस्तान में मजार शरीफ का बूढ़ा शेर के नाम से मशहूर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम काबुल लौट आए हैं। 67 साल के दोस्तम में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस उम्र में भी उनका नाम सुनकर ही तालिबानी डर के मारे कांपने लगते हैं। आपको ये भी बता दें कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान की सरकार में 29 सितंबर 2014 से 19 फरवरी 2020 तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वहीं काबुल पहुंचते ही उन्होंने तालिबान के खात्मे की कसम भी खाई और साथ ही बताया वो कई महीनों से तुर्की में इलाज करवा रहे थे। बहरहाल अफगानिस्तान सेना ने अपनी इस कार्रवाई से तालिबान को साफ चेता दिया अपने वापस लौटने का ख्याल छोड़ दे, वरना सेना उसको नहीं छोड़ेगी। और इस कार्रवाई से एक बात साफ है कि जल्द ही पूरे अफगानिस्तान में फिर से लोकतांत्रिक सरकार का राज होगा। इस पर शडस्क टोटल टीवी।